तो हम लोग कल ग्रुप फोर के कटायंस देख रहे थे। ग्रुप फोर का रिएजेंट हम लोगों ने देख लिया था एंड वी हैड आल्सो सीन हाउ दीज फोर कटायंस फर्स्ट दे फॉर्म सल्फाइड्स ऑन रिएक्टिंग विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप रिएजेंट्स एंड देन विद डाइल्यूट HCl द MnS एंड ZnS इट गेट्स डिसॉल्वड एंड फॉर्म्स देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स एंड NiS एंड COS NiS, COS and HGS. These three sulfides are very much stable, so they do not break down on reaction with dilute HCl. So we need aqua regia royal water for this. Okay. So today we are going to start the reactions of these four compounds. Okay. So first we are going to see this Zn. Okay. तो ZnS का color क्या होता है बताओ कोई? हेलो रिचा कैन यू टेल व्हाट इज द कलर ऑफ ZnS? हेलो यहाँ लिखा है देख के भी बता सकते हैं ZnS इज व्हाइट इन कलर। ठीक है तो सारे कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कलर्स वगैरह याद करो ये चैप्टर तो फिर हो नहीं पाएगा आपका। ओके तो सबसे पहले H2S से डायरेक्टली रिएक्ट करने पे ये रिएक्शन नहीं होता, जस्ट लाइक प्रीवियस केस हम लोगों ने देखा था एल्यूमिनियम क्रोमियम एंड कौन था आयरन, उनका भी डायरेक्ट H2S के साथ रिएक्शन नहीं होता है। बेसिक एसिटेट के साथ या फिर NH4O2S के साथ ये सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है Zn+2 देन कार्बोनेट हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ये पंडित जानकी दास कुत्ता मांगे उसमें Zn आता था, तो Zn मतलब बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाता है। ठीक है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सिर्फ कार्बोनेट नहीं बनाता बेसिक कार्बोनेट बनाता है। ठीक है हाइड्रोक्साइड पोर्शन भी होता है रिकॉल जानकी दास। ठीक है और ये इसको हीट करने पे Zn और CO2 बनता है ये तो सबको पता है। ठीक है Zn CO3 जनरली किसी भी कार्बोनेट को जब आप हीट करो तो अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है CO2 बनाता है। ठीक है सिमिलरली ZnOH2 को आप हीट करो तो यहाँ पे क्या होगा ZnO+H2O, so that is how you are going to get these colors. तो ZnO का कलर क्या होता है? White होता है, white और slightly yellow होता है। ZnO is one of the compounds जिसका temperature change करने पे क्या होता है? Color change होता है। ठीक है? ZnO is, it is called as thermochromic. Thermochromic. So, temperature change करने पे इसका क्या होता है? Color change हो जाता है, white से yellow हो जाता है। ठीक है? So like this. This is also known as philosopher's wool. ऐसे याद रख सकते हैं इसको. Then NaOH, NH4OH के साथ क्या करेगा? Zinc hydroxide बनाता है अपना. ठीक है? Zinc hydroxide excess NaOH में dissolve कर जाएगा. क्योंकि वो basin वो जो हम लोगों ने देखा था ये सब cations में Zn आता है. amphoteric in nature then excess NH4OH में भी ये क्या होता है dissolve कर जाता है। ठीक है तो just like chromium हम लोगों ने कल देखा था chromium भी excess of OH minus में dissolve करता था excess of NH4OH में dissolve करता था तो यहाँ पे भी हमारा क्या है Zn भी हमारा same test देता है। ठीक है H2S के साथ फिर आप ये basic hydroxide को react करा तो ZnS मिल जाएगा। then these are some of the important tests जो अभी तक हम लोगों ने discuss किया। ठीक है इसके अलावा ये सब कुछ छोटे 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 टेस्ट है। फॉस्फेट के साथ क्या बनाएगा? व्हाइट कलर का फॉस्फेट बना लेगा। देन व्हाइट कलर का ये क्या? जिंक अमोनियम फॉस्फेट बनाएगा। सिमिलरली K4FeCN6 के साथ व्हाइट कलर का ये जिंक फेरोसाइनाइड बनाएगा। ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बोलो। Yes, sir. तो आप लोग थोड़ा याद कर लो इसको एक बार अच्छे से। ठीक है एक बार देख लो कुछ डाउट्स वगैरह है तो पूछ लो। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे सिचुएशन में आ गए कि अभी आपके पास नया इन्फॉर्मेशन अब बहुत कम मिलेगा। ठीक है अगर आपने ठीक से अभी तक सारा पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया है तो अभी नया इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम मिलेगा। मतलब अधिकतर चीज आपको किसी ना किसी फॉर्म में पहले कभी ना कभी दिखा हुआ होगा। ठीक है जैसे Mn+2 के जो टेस्ट है तो सबसे पहले तो MnS हमारा क्या होता है? पिंक होता है। ठीक है
ये ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा सल्फाइड में। बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है, लाइट पिंक। हम लोग ये भी ऑलरेडी देख चुके हैं, Mn+2 जनरली व्हाइट कलर का होता है, या सॉरी लाइट कलर, लाइट पिंक होता है, या फिर उसको बफ पिंक बोलते हैं। ठीक है, तो कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका जो स्किन जिस पिंक कलर का होता है, दैट इज योर बफ पिंक। एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन में तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, MnO2 बना लेता है। ठीक है, MnO2 इज ब्लैक इन कलर, उसका हाइड्रेट जो है दैट इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने याद कर लो। इसका फॉस्फेट पिंक होता है, इसका आई थिंक कलर व्हाइट होता है, एक बार चेक कर लेना इसका कलर। ठीक है, तो Mn के लिए मोस्टली हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था, ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था। तो ये होता है आपका मैंगनीज। नेक्स्ट इज योर निकल। तो निकल का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट ये है, DmGO टेस्ट। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट निकल, DmGO टेस्ट। तो DmGO होता है क्या, हमारा डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइड। ठीक है, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइड। ओके, ऑक्साइम क्या होता है, किसी को याद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था। मयंक आप बताइए ऑक्साइम क्या होता है। हेलो मैन, कैन यू हियर मी सर? कार्बोनाइल कंपाउंड और सर याद नहीं आ रहा। ओके, अविक आप बताइए। देखो आप लोग ऑर्गेनिक वगैरह भी रिवाइज करते चलो। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है दिस इज योर ऑक्साइन ग्रुप। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ NOH, दिस इज योर ऑक्साइन ग्रुप। ये कैसे बनेगा, तो आपको जो कार्बोनाइल याद आ रहा था, कार्बोनाइल के साथ आप रिएक्ट करो किसका, NH2OH का। ठीक है, NH2OH इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, H2O निकल जाएगा हमारे साथ। ठीक है, यहाँ से O और यहाँ से H2, और क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनता है, ऑक्साइन, इस तरह से बनता है। तो आप लोग रिवाइज करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, फिर इस कंपाउंड पे आते हैं। तो डाई मिथाइल, दो तरफ से मिथाइल है, और ग्लाइकोक्साइन। ठीक है, तो ग्लाइकोल क्या होता है, श्रेय आप बताइए ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है। CH2CH2 दोनों में OH OH, CH2OH CH2OH। ठीक है, ओके, देन और कौन सा, ओके रिचा आप बताइए ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है। Richa is there? Hello Richa, can you hear me? Okay. याद नहीं है। नहीं याद है। CHOH-3. CHOH-3 नहीं, कॉर्नर में CH2OH होगा, ठीक है, बीच में CHOH। This is your glycerol. Okay. तो नाम से आप बहुत हद तक स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाई मिथाइल, तो दो तरफ मिथाइल डालना है आपको। ठीक है, ग्लाइकोक्साइन, तो ग्लाइकोल का ऑक्साइन बनाना है, तो ग्लाइकोल का ऑक्साइन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड। तो NH4OH के साथ, निकल के साथ ये क्या करता है, ब्राइट रोज रेड कलर का PPT देता है। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, ऊपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नीचे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और Ni+2 यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के साथ। ठीक है,
इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट। इसके अलावा भी छोटे मोटे टेस्ट हैं, जैसे H2S के साथ ये डायरेक्ट पीपीटी नहीं देता है, NH4O2S के साथ देता है, NIS दैट इज ब्लैक, नियत से काला, हम लोगों ने कल देखा था, KCNS, NICNO2 दिस इज ग्रीन इन कलर, XS के साथ ये डिसॉल्व कर जाता है, Cl माइनस डालने पे, HCl डालो तो फिर क्या होता है, ये पीपीटी वापस से आपको ग्रीन कलर का मिल जाता है। NiOH2 इज ग्रीन इन कलर, देन XS के साथ एक्सेस NaOH के साथ ये डिसॉल्व नहीं करता है, एक्सेस NH4OH के साथ ये ब्लू सॉल्यूशन बना देता है। देन हाँ, ये रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन NiOH2 प्लस NaClO और इन अदर वर्ड्स क्लोरीन वाटर, ये NiOH3 बनाता है व्हिच इज ब्लैक इन कलर, दिस रिएक्शन हैज बीन आज्ड इन जेईई एडवांस। तो ये रिएक्शन क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, और ठीक है बस यही टेस्ट है आपके निकल के। नेक्स्ट इज अ कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए दो ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, साइनाइड हमारा रेड ब्राउन होता है, एक्सेस में डिसॉल्व कर जाता है H2O2 के साथ, ये +2 से +3 हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, जस्ट लाइक योर यहाँ पे जैसे ये हो रहा था क्लोरीन वाटर के साथ, ये हो रहा था निकल का +2 से +3, कोबाल्ट के साथ H2O2 या फिर ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक है। Then SCN के साथ COSCN4, this is blue in color. So these two are most important test for cobalt. Okay, आगे चलें। तो निको मंजन चारों हो गए आपके ग्रुप फोर का कैटायंस, ठीक है? Okay. Next is your group five. Group five में हमारे तीन कैटायंस थे। Ba+2, Ca+2, Sr+2. ट्रिक हमने क्या बताया था, भारत सरकार, सॉरी CAR, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। ग्रुप रिएजेंट हमारा होता है NH4OH, NH4Cl, NH4O2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स किसका बनता है, हमारा कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस ऑर्डर में बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज हम करते हैं, फिर ये चीज करते हैं, फिर ये चीज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस तीनों पीपीटी को क्या किया, CH3COH के साथ डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो तीनों चीज हमारे डिसॉल्व हो गए, तीनों कंपाउंड Ba+2, Ca+2, Sr+2, तीनों क्या हुआ, डिसॉल्व हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम अमोनियम क्रोमेट के साथ इसको क्या किया, रिएक्ट करा है। तो अमोनियम क्रोमेट के साथ कैल्शियम हमारा पीपीटी, कैल्शियम जो बनाएगा CaCrO4, दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीटी नहीं मिला हमको, कैल्शियम सॉल्यूशन में ही रह गया हमारे पास। और पीपीटी कौन कौन बना लिए, Ba+2 और Sr+2, ठीक है। तो आपने क्या किया, बी ए दोनों पीपीटीज को अलग किया, फिर पीपीटी को आपने क्या किया, डिजोल्व किया CH3COOH के साथ, ठीक है। तो ये आपका डिजोल्व हो गया, इसके लिए पीपीटी हमारी बची रह गई, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप वन में आपका रिजल्ट क्या हुआ, स्टेप वन का नेट रिजल्ट आपका ये हुआ कि बेरियम +2 आयन्स आपका क्या हुआ, सेपरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, SrSO4 और CaSO4, सॉरी Sr+2 आयन्स एंड Ca+2 आयन्स। तो इसको आपने रिएक्ट कराया एक्सेस ऑफ अमोनियम सल्फेट के साथ, तो SrCSO4 पीपीटी बना के डिसॉल्व हो गया। CaSO4 अभी भी क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो बेरियम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब देखो ये स्टेप आपका पहला स्टेप नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला स्टेप अगर होगा तो बेरियम सल्फेट और SrSO4 दोनों पीपीटी बना लेगा, ठीक है। लेकिन हमने बेरियम को पहले स्टेप में ही अलग कर लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा Sr+2 भी इस स्टेप में क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्सीलेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, अमोनियम ऑक्सीलेट, ठीक है। तो इस केस में तीनों ही पीपीटी बनाएंगे, लेकिन इन दोनों पीपीटीज को हमने स्टेप टू और स्टेप वन में क्या किया है, रिस्पेक्टिव सॉरी स्टेप वन और स्टेप टू में रिस्पेक्टिवली इसको सेपरेट कर चुके हैं हम। तो हमारा जो पीपीटी मिलेगा दैट विल बी ओनली कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ Ca+2, ठीक है, प्लस Ca+2 से बना होगा। बात समझ में आई सबको, इसलिए इसमें ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ठीक है। बाकी पीपीटीज के कलर के बेसिस पे आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ही क्रोमेट्स क्या होंगे, येलो होंगे इनके, सारे ही सल्फेट्स क्या होंगे, व्हाइट होंगे,
सारे ही ऑक्सिलेट क्या होंगे, व्हाइट होंगे। तो पीपीटी के कलर के बेसिस पे इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पे सॉल्यूशन के बेसिस पे हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, देन ग्रुप 6। ग्रुप 6 में हमारे पास Na+2, Mg+2 और K+, ठीक है। तो ना मांगे कार, ठीक है, भारत सरकार ना मांगे कार। इसके सारे सॉल्ट जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट KCl4, ठीक है। KCl4 हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बाकी सारे सल्फाइड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सॉरी, बाकी सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, सल्फाइड्स, बाकी सारे सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं। K+ के साथ ये जो भी टेस्ट है आप लोग एक बार देख लो, K2PtCl4, ये येलो कलर का PPT बनाता है, ठीक है। यहाँ पे येलो सॉल्ट बोलते हैं इसको, फिशर सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ। देन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन टार्टारेट के साथ ये PPT बनाते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमारा जो है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, Mg+2 HbO4- के साथ इन बेसिक मीडियम क्या करता है, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनाता है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इसको हीट करने पर पायरो बनेगा। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे क्या है, ऑड आयोनाइजेबल हाइड्रोजन से, ठीक है, तो ये पायरो बनाता है। ये एक और छोटा सा टेस्ट है, लेकिन हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। यूरेनियम का कुछ कंपाउंड बनता है। बस ये टेस्ट है आपके ग्रुप 6 के। उसके बाद आता है ग्रुप 0, या फिर उसको ग्रुप 7 लिखते हैं कहीं कहीं, कहीं ग्रुप 0 लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें होता है हमारा अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का एक ही टेस्ट है हमारा, डायजोनियम सॉल्ट के साथ, नाइट्रो डाइजोनियम के साथ रेड कलरेशन देता है, ठीक है। तो लाइक दिस इज द टेस्ट फॉर अमोनियम आयन। इसके अलावा अमोनियम के टेस्ट हम लोग Day 1 को ही देख चुके हैं बहुत सारे, मतलब हीटिंग पे क्या 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 कंपाउंड्स रिलीज होते थे, ठीक है। तो अगर हमारा अनायंस क्या होता था, कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, तो वहां पे हम लोग को N2 या फिर N2O गैस रिलीज होती थी। अगर अनायन हमारा क्या होता था, नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता था, तो NH3 गैस रिलीज होती थी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है कम्प्लीट। आप क्या करो, क्या करोगे आप लोग, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, ठीक है। और हम एक PDF भेजेंगे, उस PDF में आपको कुछ नया रिएक्शंस मिल सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चैप्टर हमने क्लास में कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से अटेंड किया हो तो 80% ऑफ ये चैप्टर कंप्लीट है। 20% आपको क्वेश्चंस कर करके इधर छोटे मोटे रिएक्शंस इस टाइप के दिखते रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज जस्ट 20%। ये चैप्टर 100% कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो हम जो शीट देंगे उसको एक बार आप लोग देख लेना, उसमें भी मे बी इसका 10% आपको कुछ और नया इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। बाकी सब चीज़ हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिया है, 10% बाकी वो छोड़ ही दो, ठीक है। तो जितना क्लास में कराया है उसको आप लोग को अच्छे से बस करना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली उसी में से क्वेश्चन आएगा, अगर इधर उधर से आ गया मे बी एक क्वेश्चन, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जितना कराया गया है उसको अच्छे से कर लेना। और दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज वो जो बालाजी बुक जो था इनऑर्गेनिक का, ठीक है, उसमें से सॉल्ट एनालिसिस आपको क्या करना है, रोज उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नॉट लाइक इन अ सिंगल सिटिंग आप बैठ के 100 क्वेश्चन लगा दिए, वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें से सॉल्ट एनालिसिस या फिर पता नहीं चैप्टर का नाम क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, फिर नोट्स रिवाइज करना है, फिर अगले दिन 10 क्वेश्चन करना है, फिर नोट्स रिवाइज करना है, लाइक दिस। इस तरह से आपको बैक एंड फोर्थ चैप्टर रिवीजन करते रहना है, ठीक है। ओके, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? नहीं, चलो ठीक है, एंडिंग में क्लास है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।